हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। वो है सिलेबस। आप सभी लोगों को पता है कि देश भर में कोरोना की महामारी से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। काफ़ी महीनों से ना ही हमारे स्कूल खुले हैं और ना ही हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए सभी बोर्ड से तो हमारे लोगों का 30% सिलेबस क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को मैथ का सिलेबस बताऊंगा कि मैथ का सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जल्दी से अपनी बुक ले आइए, मैथ की एनसीईआरटी वाली बुक लाना मैथ की। ठीक है, क्योंकि हम अब जो पैटर्न हमारा हो गया वो हमारा एनसीईआरटी का हो गया, इसलिए सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक मैथ के लिए भले वीडियो पॉज कर दें और एनसीईआरटी की बुक जल्दी से लाएं और सिलेबस देखें क्या क्या रहा है। कम ऑन, हरी अब जल्दी करिए, ले आए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या। पहला चैप्टर हमारा हो गया वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको जितने भी टॉपिक ये सारे लिखे हैं ये सब पढ़ने हैं। दूसरा बहुपद, ये हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमको पूरा पढ़ना, जितने भी टॉपिक इसके मध्य बीच में आते हैं वो पढ़ने। द्विघात समीकरण, ये भी हमको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। समांतर श्रेणी, ये हमें नहीं पढ़ना है। त्रिभुज, ये हमें नहीं पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति, ये हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हमको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको कट कर दो। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में केवल हमको हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी पढ़नी है। वृत्त में नहीं पढ़ना है। ज्यामितीय रचनाएं हमें नहीं पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्र, इसके अंदर जितने भी चार टॉपिक हैं यह सारे पढ़ने हैं। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी हमको सारा पढ़ना है। सांख्यिकी, ये भी हमको सारा पढ़ना है। तो इतना ये हमारा मैथ का सिलेबस, इसमें 30% कम किया गया है। तो यही आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड वॉच भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। थैंक यू।